हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। सेल, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जब सेल का एक ग्रुप के एक कॉमन ओरिजिन हो, जब उनका स्ट्रक्चर सेम हो और वह एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है लाइफ प्रोसेसेस सेम होते हैं, लेकिन उनके अंदर टिश्यू सिमिलर नहीं होती, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टिश्यूज़ जो हैं वो दो प्रकार की होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होती हैं जिनके अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है और उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, वो लिविंग होती हैं, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। वैक्यूल्स जो रहते हैं या तो एब्सेंट होते हैं या स्मॉल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, और प्लास्टिड जो रहते हैं प्रो प्लास्टिड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। उनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी एब्सेंट होती हैं। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वह तीन टाइप्स की होती है, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वह तीन टाइप्स की हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और स्पेशल टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट में होता है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में होते हैं जाइलम, फ्लोएम। स्पेशल टिश्यू भी दो टाइप्स की होती है, प्रोटेक्टिव और ग्लैंडुलर। परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होती हैं जो पावर ऑफ डिवीजन का जो कैपेसिटी है उसको टेम्परेरली या परमानेंटली लूज़ कर देती है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर ये कैपेसिटी वो टेम्परेली या परमानेंटली लूज़ कर देते हैं। उनकी वॉल थिक या थिन होती है, वे लिविंग या डेड भी हो सकते हैं। इनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और बाकी सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती है। इनका डेफिनेट शेप और साइज होता है जो बाद में ऑल्टर नहीं करता, और यह कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी कैरी आउट करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं वो इस प्रकार है। पहला, नेचर। इनकी जो सेल्स हैं वो स्मॉल, आइसोडियामेट्रिक मतलब सम व्यासीय एंड अनडिफरेंशिएटेड। सेल्स परमानेंट टिश्यूज़ की लार्ज होती है, डिफरेंशिएटेड होती है और अलग अलग शेप्स की होती है। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर इतना प्रोमिनेंट परमानेंट टिश्यू में नहीं पाया जाता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल थिन होती है, परमानेंट टिश्यू की थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, और परमानेंट टिश्यूज़ जो है ये अपना पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेरली या परमानेंटली लूज़ भी कर देती है या नहीं डिवाइड करती है। टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक सिंपल टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और स्पेशल भी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सेल ऑर्गेनलीज सिंपल होते हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ में सेल ऑर्गेनलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये सब वेल डेवलप्ड होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो हैं वह स्ट्रक्चर में, ओरिजिन में और फंक्शन में समान होती हैं। तीन तरह की सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका दो शब्दों से मिलकर बना है, पैरा माने बिसाइड्स, पीछे, एंड मीन्स टू पोर। पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वह लिविंग सेल्स से बनी हुई होती हैं और ये मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में
बल होती है। ऑक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मृदुतक का वितरण। मृदुतक या पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू जो है वह रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स और पिथ में पाई जाती है। यह जाइलम और फ्लोएम में भी पाई जाती है, लीफ के मेसोफिल पार्ट में, फ्रूट के पल्प में, सीड के एंडोस्पर्म में भी यह पाई जाती है। ये जो है पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू जो है यह सरल प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी कि प्राइमरी टिश्यू है। प्लांट का अधिकांश भाग इन्हीं पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू से बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम भरण उत्तक या ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। और अन्य टिश्यू या सेल्स का भी जो विकास है इसी मूल पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू से ही हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू। सबसे पहले शेप। पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू जो है सामान्यतः जो है समव्यासी आइसोडायमेट्रिक होती है, लेकिन कई प्लांट्स में यह लंबी या ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल भी होती है। ज़्यादातर पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू के अंदर 14 फैसेट्स यानी कि 14 फल किकाओं या सतहों वाली होती है। इनमें से 8 सतहें जो हैं वो हेक्सागोनल षटकोणीय और 6 जो हैं सतहें चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल होती है। ऐसी पॉलीहेड्रल कोशिकाओं को हम चतुर्दश फलक यानी टेट्राकाय डेकाहेड्रॉन भी कहते हैं। यह जो पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू है इनके अंदर जो सेल्स हैं वह एक दूसरे से काफ़ी सटी हुई होती हैं, पास पास होती हैं, और इनके अंदर काफ़ी स्मॉल सूक्ष्म अंतर कोशिकाएँ स्थल होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष की पेरेनकाइमा टेस्ट सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, जबकि जितने भी पल्पी फ्रूट्स हैं गुद्देदार फलों के अंदर कोशिकाओं में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतरा कोशिका स्थल होते हैं। सेल वॉल, पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू की जो सेल वॉल है वह थिन सेल्युलोज से बनी हुई, सेल्युलोज पेक्टिन व हेमी सेल्युलोज से बनी हुई होती हैं। इनके अंदर जीव द्रव्य तंतु या प्लास्मोडेस्माटा भी उपस्थित होते हैं। पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू जो है सबसे अबंडेंट टिश्यू है, मतलब ज़्यादातर सभी प्लांट के पार्ट्स में यह पाई जाती है। यह नॉन वुडी पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स में भी पाई जाती है। इनके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। यह लूजली पैक्ड रहती हैं, या तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस छोटी या बड़ी दोनों प्रकार की होती हैं। पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू जो है वो 5 प्रकार की होती है, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, इडियोब्लास्ट, प्रोजेनकाइमा और स्टिलेट पेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू में जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं तो उन्हें हम ऐसी कोशिकाओं को हम क्लोरेनकाइमा या हरित मृदुतक कहते हैं। यह जो क्लोरेनकाइमा है यह लीफ की मेसोफिल सेल्स में और यंग स्टेम के कॉर्टेक्स में पाई जाती है। एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू के अंदर जब इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी बड़ी होती हैं और उनमें जब एयर या वायु भरी रहती है तो ऐसे पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यूज़ को हम एरेनकाइमा या वायुतक कहते हैं। इन वायुतक के अंदर एयर का सर्कुलेशन होता है और यह प्लांट्स को बोयंसी यानी कि प्लब मान की सहायता करती है। यह जो एरेनकाइमा है यह एक्वेटिक प्लांट्स या जलीय पादपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेरेनकाइमा टेस्ट टिश्यू इज प्रोजेनकाइमा, जिसको हम दीर्घ मृदुतक भी कहते हैं। यह पेरेनकाइमा टेस्ट सेल्स जब इलोंगेटेड हो जाती है, पॉइंटेड और स्लाइटली थिक हो जाती है तो ऐसी सेल्स को हम प्रोजेनकाइमा कहते हैं, जो कि प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करती है।
यह जो है डाइकॉट प्लांट्स के अंत के पेरिसाइकल में पाई जाती है। इडियोब्लास्ट, यह जो है एक विशेष प्रकार की पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं जिनके अंदर टैनिन, ऑयल और कैल्शियम ऑक्सलेट्स जैसे रेफाइड्स आदि स्टोर्ड रहते हैं, और ऐसे स्टोर्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम इडियोब्लास्ट कहते हैं। स्टीलेट पैरेन्काइमा या ताराकाय मृदुतक, केले के लीफ के अंदर या कुछ जलीय पादपों के अंदर यह स्टीलेट पैरेन्काइमा पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है वह जितने भी मटेरियल्स हैं उनका लेटरल मूवमेंट कराने में मदद करती हैं। क्लोरेन्काइमा, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वे जो हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। एरेन्काइमा, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जिसके अंदर काफ़ी लार्ज एयर कैविटीज़ और एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर गैसेस स्टोर हो जाती है और यह प्लांट्स को फ्लोट करने में या बॉयंसी या प्लवमान में मदद करती है। यह जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। प्रोजेन्काइमा जो है वह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। इडियोब्लास्ट जो हैं वह स्टोरेज का कार्य करती हैं, और एपिडर्मिस भी एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा है जो प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। थैंक यू।